और बड़ी खबर गिरिडीह से है, जहां कुल्हाड़ी से वार कर पति ने अपनी ही पत्नी की निर्मम हत्या कर दी है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अंबाटाण गांव की घटना बताई जाती है। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी का माहौल है। घटना स्थल पर सूचना पाकर ग्रामीणों का हुजूम पहुंच पड़ा। वहीं मृतक के बेटा ने आरोप लगाया है कि उसकी मां की हत्या उसके पिता के द्वारा ही की गई है। मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक परिजनों के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। के मारा मां को? मेरा जोर से बोलो ना। मेरा बाप। क्या नाम बाप का? माला मरंडी। मालन मरंडी। कब मारा? पता नहीं कब मारा। इन लोग सो गया। तुम लोग कहाँ था उसमें? उसमें घर में। घर में तुम लोग नहीं देखा कुछ? नहीं, सब सोया हुआ था। लगा के किवाड़ से जंजीर लगा करके रात में ही फरार हो गया। सुबह लोग जब उठे, बच्चे जब उठे तो देखे कि उसकी हत्या हो गई है। अब खुद फरार है, हम लोग उसको पकड़ने के इसमें हैं, पकड़ने के फिराक में हैं। और मृतका का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। उनके बयान पर केस करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।